नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में आज बात करने वाले हैं आपकी राशि के दैनिक राशिफल के बारे में, जो कि यह राशिफल आपके चंद्र राशि पर आधारित है। इस समय आपका बिजनेस करियर कैसा रहेगा, लव लाइफ कैसी रहेगी और स्वास्थ्य की महत्वपूर्ण जानकारी हम आपको देंगे। साथ ही वीडियो के अंत में एक सटीक उपाय दिए गए हैं, जिन्हें जानकर आप इस दिन को और भी ज़्यादा खास और बेहतर बना सकेंगे। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सिलेक्ट कर लें। आपकी राशि से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण जानकारियां आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो आइए इस वीडियो को प्रारंभ करते हैं। उससे पहले वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय सूर्य महाराज अवश्य लिख दें, भगवान सूर्य महाराज का असीम कृपा प्राप्त होगी। तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं आज के पंचांग के बारे में। 23 अक्टूबर 2021 रविवार का दिन है और कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि है। नक्षत्र की बात करें तो कृतिका नक्षत्र रहेगा और योग रहेगा व्यातिपात नामक योग। चंद्रमा की जो स्थिति है वह रहेगा वृषभ राशि में और आज का अशुभ समय यानी अभिजित मुहूर्त की बात करें तो सुबह 9:21 से 10:46 तक रहेगा। यह समय में किसी भी प्रकार की नए और शुभ कार्य करने से बचिएगा, क्योंकि यह समय अशुभ माना जाता है। चलिए बात करते हैं आज का दैनिक राशिफल। यह समय ऐसी स्थितियां उत्पन्न हो सकती है जो आपको लुभा सकती है या आपको आवेगपूर्ण कार्य करने के लिए मजबूत कर सकती है। आपको बता दें, यह समय खुद को संभालने और अपनी लड़ाई की भावनाओं से इन सब में से निपटने का समय है। आपको बता दें, यह समय अपने बच्चों या छोटे भाई बहनों की अधिक से अधिक सुरक्षा करें और उनका देखभाल करें, ये आपके लिए अच्छा रहेगा और आप समाज के लोगों के साथ अच्छा मेलजोल भी कर पाएंगे और वे आपको जो मार्गदर्शन से स्वागत करेंगे उससे आप हैरान रह जाएंगे। सेहत को लेकर बात करते हैं, यह समय वातावरण में छोटी मोटी बीमारियां हैं जो आपके स्वास्थ्य को थोड़ा प्रभावित कर सकती है। हालांकि यह आपके लिए कोई बड़ा झटका नहीं लगेगा। आपको छींक, जुकाम और खांसी होने का खतरा रह सकता है। आपको बता दें, साथ ही माचिस की तीली जलाते समय अधिक से अधिक सावधानी बरतें और सतर्क रहें। देखिए, हाइजीनिंग सेंस से इन छोटी मोटी बीमारियां आज आपको आसानी से काबू पाया जा सकता है और आप जहां भी जाएंगे अपने साथ सैनिटाइजर रखकर जरूर रखें तो आपके लिए अच्छा रहेगा। लव लाइफ यानी प्रेम संबंधों को लेकर बात करें तो परिवर्तन, संक्रांति और जोश आज आपके लिए संकेत कर रहे हैं। आपको बता दें, यह समय एक दूसरे के साथ अधिक से अधिक समय बिता पाएंगे और बच्चों के साथ कुछ मेल भाव रखकर सम्मान भी कर पाएंगे और एक दूसरे के साथ समय बिताएंगे। अब आप बाढ़ पर बैठने से इनकार करती हैं और आप जो सोचती हैं, जो चाहते हैं उसकी दिशा में मार्गदर्शन करने का प्रयास किए बिना भाग्य को अपना काम करने से मना करती हैं। आपको बता दें, आपकी भावनाओं की तीव्रता आपके साथी को कुछ चौंकाचौंध भी कर सकती है और रोमांटिक निर्णय लेने में आपकी सहजता आपका मार्गदर्शन करेगी और वे आपके जीवन को एक नई दिशा में ले जाएंगे। करियर और बिजनेस की बात करें तो यह समय बहुत अच्छा समय है। जब आप आगे बढ़ रहे हैं तो लोग आपको नीचे गिराने की कोशिश कर सकते हैं, इसलिए आप छोटी मोटी बातों को जितना हो सके नज़रअंदाज करें और किसी की बातों में ना लगें और किसी भी तरह के जुबानी विवादों में ना पड़ें और अपने काम को अपने लिए बोलने दें। जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे आपका एक ऐसी स्थिति में पहुंचा जाएंगे जब आपको नीचे खींचना मुश्किल होगा। आपको बता दें, अच्छा काम करते रहो और अपने सहयोगियों और अधीनस्थों के साथ सामंजस्य बनाए रखें, उन पर दयालु शब्दों की बौछार कर दें और जितना हो सके उनसे दूरी ही बनाकर रखें तो आपके लिए अच्छा रहेगा।
देखिए फायदे की अगर बात करती हर समय बिजनेस में बड़ा सौदा होने से मन प्रसन्न रहेगा और करियर में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। आज प्रेम संबंधों में सफलताएं मिल सकती है। नुकसान की अगर बात करें तो जोखिम भरे फैसले लेने से आज आप बचिएगा। किसी भी प्रकार की फैसला सोच समझ कर लें तो आपके लिए अच्छा रहेगा और सेहत में उतार चढ़ाव बना रहेगा। दुश्मन आज आपके सक्रिय हो सकते हैं, उनसे थोड़ा सतर्क रहिएगा। उपाय की बात करें तो भगवान श्री गणेश को जनेऊ अर्पित करें, आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। आज आपका शुभ रंग केसरी कलर है। भाग्यशाली अंक आज आपका 8 है।